हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी मसाला डोसा और इडली, वो भी एक ही बैटर से, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये बन तो बहुत जल्दी जाता है, मगर हमें इसकी तैयारी एक दिन पहले शुरू करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप चावल ले रखे हैं और थोड़ी सी उसमें चना दाल डाल के रात भर भिगो के रखा हुआ है। आपको दिखाने के लिए पहले तैयार कर रखा है। साथ ही में मैंने उड़द की दाल भी ले रखी है 1/2 कप, और मैंने थोड़ी सी लिए मेथी 1 चम्मच के करीब। अब इन सबको हम पीस के इसका एक बैटर तैयार करेंगे। ये इसका फ्लेवर मतलब मिक्स होके बहुत अच्छा आएगा, और सबको एक साथ हमें पीसना है। अब मैं इसको पीस लिया है, मेरा पेस्ट देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना है। अब मैं इसको रख दूँगी कम से कम 8-10 घंटे के लिए, फर्मेंटेशन के लिए, जो खमीर उठ जाए अच्छे से। इसलिए 8 से 10 घंटे हो चुके हैं, अब मेरा उधर फर्मेंटेशन तैयार हो गया है। अब सबसे पहले बनाएंगे मसाले डोसे का मसाला। मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, साथ ही मैं अब डालती हूँ थोड़ा सा गर्म होते इसमें राई डाल ली है मैंने 1 चम्मच, थोड़ी सी करी पत्ता ले लिया, थोड़ी सी हरी मिर्ची, इनको मिक्स करते हुए। साथ में मैंने प्याज ले ली है एक कटी हुई, थोड़ा बड़ी बड़ी काट रखी है मैंने। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी सी हल्दी पाउडर ले लिया है मैंने कलर के लिए। इसको 1-2 मिनट तक ऐसे ही चलाएंगे। अब इसमें मैं डाल देती हूँ सांभर मसाला, मैंने करीब 1.5 चम्मच सांभर मसाला, और थोड़ी सी डाली लाल मिर्ची। इसको अच्छे से मिक्स करते ही हम इसमें डाल देंगे अपने आलू। मैंने करीब 4 आलू लिए हैं, वो अच्छे से उबाल के मैश करा हुआ है इनको, और इसको हम इसको जो है अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। आप इनको अच्छे से मैश कर सकते हैं पहले भी चाहे तो, और चाहे तो इसको बाद में भी अच्छे से मैश कर सकते हैं, क्योंकि जितने मैश होंगे उतना अच्छा रहेगा हमारी फीलिंग। इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालिएगा थोड़ा सा। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और हमें इसमें कुछ खास मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्का सा मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब पानी लिया है, क्योंकि मैं इसको मैशर की सहायता से मैश करने जा रही हूँ, ताकि नीचे जल ना जाए इसलिए। और अच्छे से मैश होके फीलिंग बहुत अच्छी आती है इसकी। आप चाहें तो इसको वैसे भी चमचे की सहायता से भी मैश कर सकते हैं, अगर आपके पास मैशर ना हो तो। देखिए इस तरीके से, और हमारी जो है देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुई है अभी फीलिंग। अभी डोसे में भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। मेरे यहाँ बैटर भी बिल्कुल तैयार है, मैंने थोड़ा सा इसमें से कम कर लिया था। इसमें पानी डाल के और नमक डाल के इसको तैयार कर रखा है थोड़ा पतला पतला। इधर तवा भी तैयार है, तेज़ गर्म है, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ऐसे कपड़े से ऐसे हटा देंगे, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये। और इसमें अब डालते तुरंत ही बैटर, और बैटर को इस तरह चमचे की सहायता से ऐसे फैलाएंगे हम पतला पतला। और बस थोड़ा सा हम साइड से ऑयल भी डाल देते हैं, और बीच में लगा देते हैं हम आलू जो हमने फिलिंग बनाई है अपनी वो। और इसको देखिए आराम से उठ जाएगा, कितना बढ़िया एकदम क्रिस्पी हमारा मसाला डोसा बन के बिल्कुल तैयार आ रहा है। ये देखिए हमारा तैयार है मसाला डोसा बन के। अब हमारा दूसरा बैटर है, ये मैं आपको दिखाती हूँ कितना गाढ़ा है ये। हमने इसको पतला नहीं करना है, इसमें सिर्फ हम नमक डालेंगे। पहले वाले में हमने नमक और पानी दोनों डाले थे क्योंकि पतला बनाया था। इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है क्योंकि ये इडली का बैटर है। इडली का बैटर हमारा गाढ़ा ही रखना है, बैटर वही है मगर हमें इसे गाढ़ा गाढ़ा रखना है। सिर्फ नमक डाला है। अब इडली का स्टैंड ले लेते हैं हम साथ में अच्छे से मिक्स करके, और इसमें हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। अच्छे से लगा के अब हम इसके अंदर बैटर भरेंगे। मैं आपको पहले सूजी की इडली बनाने बता चुकी हूँ, वो इंस्टेंट बनती है, तुरंत बैटर बनाया और तुरंत बन जाती है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और मगर ये जो है अपना ट्रेडिशनल तरीके से लोग दाल चावल से बनाना पसंद करते हैं, स्पेशली साउथ इंडियंस वगैरह, रेस्टोरेंट में भी ये चीज़ मिलती है। तो मैंने आपको एक ही बैटर से देखिए आपको दोनों चीज़ बनाना बता रही हूँ मैं आज। बस थोड़ा सा हमें उसे पतला करना होता है, ये थोड़ा गाढ़ा ही रखा जाता है। बैटर वही है, दाल चावल का रेशो वही है इसमें। इस तरीके से हमने सारे तैयार कर लिए हैं, मेरा ये स्टैंड में एक साथ काफ़ी सारी इडली बन जाएंगी। देखिए मात्र 10 मिनट में मेरी इडली बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। इनको निकाल लेते हैं एक एक करके। देखिए कितनी बढ़िया और सॉफ्ट एकदम दानेदार देखिए इडली बनी है, एकदम जारी देखिए कितनी अच्छी आई है। तो हमारी इस तरह से सारी इडली बनके भी तैयार हो चुकी हैं, उधर डोसा भी बन चुका है हमारा, इडली भी तैयार है हमारी। तो फ्रेंड्स हमारा मसाला डोसा और इडली दोनों एक ही बैटर से बनके बिल्कुल खाने के लिए तैयार हैं। तो फ्रेंड्स मैं चाहती हूँ आप भी इस तरीके से एक बार बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।